अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे कि इकरार उल हसन ने अपनी बीवी फरहा इकरार को तलाक दे दी है या नहीं। आखिर इकरार उल हसन अपनी बीवी को तशद्दुद का निशाना क्यों बनाया। फरहा इकरार ने अहम राजों से पर्दा भी उठा दिया। तमाम तर तफसीलात शेयर करेंगे इस वीडियो में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। नाजरीन, जैसे कि आप जानते हैं कि इकरार उल हसन ने तीसरी शादी मशहूर एंकर अरूसा खान से की थी। इकरार उल हसन की पहले दो बीवियां हैं, कुरतुल ऐन और फरहा इकरार। फरहा इकरार ने इकरार उल हसन के बारे अहम राजों से पर्दा भी उठा दिया। फरहा इकरार ने मजीद ये भी बताया कि इकरार उल हसन उन्हें ज़हनी तशद्दुद का निशाना भी बनाते रहे। मजीद बता दें कि फरहा इकरार ने यह भी बताया कि इकरार उल हसन उन्हें औलाद ना होने का ताना भी देते थे। इस बात पर मजीद फरहा इकरार ने यह भी बताया कि इकरार उल हसन के साथ मैं रहने पर मजबूर हो चुकी थी, लेकिन अब मैंने फैसला कर लिया है कि इकरार उल हसन के साथ मेरा गुजारा नहीं है, इसलिए मैं अपने अलहदा घर में रहती हूँ। और इकरार उल हसन को इस बात की बिल्कुल भी नहीं परवाह कि वो किस तरह का सलूक मेरे साथ करते हैं। मज़ीद ये भी फरहा इकरार ने बताया कि इकरार उल हसन ज़्यादातर वक्त अपनी तीसरी बीवी के साथ बिताते हैं। इस बात पर मज़ीद उन्होंने ये भी बताया कि वो उनकी पहली बीवी ने इकरार उल हसन की तीसरी शादी करवाई, हालांकि वो इस बात का कुरतुल ऐन फरहा इकरार से बदला लेना चाहती थी, इसलिए उन्होंने इकरार उल हसन की तीसरी शादी करवा ली। यूँ इकरार उल हसन की पहली और तीसरी बीवी एक ही घर में रहती हैं, लेकिन इस बात पर फरहा इकरार बेहद नाराज़ हैं कि इकरार उल हसन बगैर बताए शादी कर ली। नाजरीन, आपकी इस बारे में क्या राय, अपनी राय का इजाज़त।